अभिभावक महोदय नमस्कार। पहले बच्चों को बनावट सिखाई थी अनार और आम की, आज ऐसे इमली तक सिखाएंगे, ईख तक। तो अभी इसको अपने दोबारा रिपीट करते हैं बच्चों, ऐसे अनार। अब मैं ऐसे डॉट लगाई है मैंने, अब तक तो बच्चे सीख गए होंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस करवाई होगी, इतना काम तो अपने कर ही सकते हैं। ऐसे अनार बन रहा है ये। अब सेकंड नंबर पे अपनों ने सिखाया था आ से आम। आम तो बच्चे खाते ही हैं, बच्चे मिनट पे बोल देते हैं ये है आम, ऐसे आम। इसमें भी वही डॉट लगेंगे। बस बच्चों को यही अंतर बताना है कि बेटा इसमें दो डंडे लगेंगे, उसमें एक डंडा लगा था और इसमें दो डंडे, तो क्या बन गया आम। ऐसे पहले एक डंडा, ऐसे फिर दूसरा, ऐसे आम। अब तीसरा है बच्चों को इमली सिखाना। इमली थोड़ा सा टफ होता है लेकिन जब बच्चों का हाथ चलने लग जाता है तो बच्चे सीख जाते हैं। जैसे इसको बोलते हैं इसे इमली। अब अपने इमली ऐसे सिखाएंगे, देखो लाइन खींच के पहले ऐसे करके टै बना देंगे बच्चों को, ये ट बनाते जाएंगे, इतना तो आ ही जाएगा बच्चों को सी बनाना ना। उल्ट ऐसे फिर इन बच्चों को सिखाएंगे कि अब ऐसे बनाना, फिर बच्चों को बताएंगे ऐसे करके इसको ऐसे करके दो बार ऐसे करना, ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे। इसे इमली। अब ईख भी, जब इमली आ गई तो ईख भी वैसे ही है सेम। इसको बोलते हैं ईख। बच्चों को पहचान करवाना साथ साथ, इसलिए मैंने चित्र बनाया। अगर बच्चों को नहीं आ रहा है ना तो आप ऐसे डॉट लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल सीखेंगे, मेरा कहना यही है कि आप ई के ऐसे डॉट लगा के देना, ये सबसे टफ लगती है बच्चों को। कक्षा में तो मैं ई करवाती नहीं हूँ, बाद में करवाती हूँ, लेकिन अब आप घर पे हो तो थोड़ी प्रैक्टिस आप करवा दोगे ऐसे। अब इसके ऊपर बच्चे ऐसे सीमेंट में लिख देंगे ई, ई से ईक बन जाएगी। जब बच्चे का हाथ ऐप पे चलने लग जाता है ना तो इस पे भी चल जाता है, ये मेरी प्रैक्टिस करवाने पे निर्भर करता है। अब हमने बच्चों को इकट्ठा बोलना सिखाएंगे। ओ आ ई, ई ऐसे बच्चों को आप ऐसे सिखाओगे, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक। सिखाना तो वैसे ऐसे होता है बच्चों को, अ आ ई ई, क्योंकि ये सीखेंगे तभी बोलना सीखते हैं। लेकिन अगर अपने चित्र के अकॉर्डिंग ऐसे बच्चों को दिखाएंगे अनार तो बच्चे कहेंगे वो अनार, आम, इमली, ईक। ठीक है, ये प्रैक्टिस जारी रखना घर पे, बच्चों को कई बार प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी इसकी। ऐसा नहीं है कि एक बार करवा के आप बैठ गए, दो तीन पेज भरोगे तो उनको ये आ जाएगा। फिर ऐसे बाकी स्वर तो सारे एक जैसे ही हैं, बस ई थोड़ा सा इसमें अलग से है, वो मैंने आपको बनावट बता दी है कि पहले ई ऐसे बनाना है, फिर उनको ऐसे उल्टा बना के सीधा बनाना है, सी पहले उल्टा फिर सीधा सी, फिर बच्चों को ऐसे मोड़ना आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। एक दो बार थोड़ा सा टेढ़ा मेंगा करेंगे फिर आ जाएगा। थैंक्स।